गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। जैसे कि सवाल में बताया जा रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो आपको निकालना क्या है? भागफल और शेषफल, और वो भी किस तरह से बनाना है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। मतलब आपको विभाजन लगाना है, और विभाजन किसको किसको लगाना है? इसके साथ इसको, और इससे आपको इसको जो है भाग लगाना है। तो चलिए इसको कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ टाइप यहाँ लिखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को जो करना है भाग में, पहले वाले को जो है हमको बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर है, तो हमको लाना क्या है, x क्यूब लाना है। तो x स्क्वायर से हम क्या पढ़ेंगे जो x क्यूब होगा? तो देखिए x स्क्वायर से हम x को पढ़ेंगे तो क्या होगा, x क्यूब। क्यों हुआ? क्योंकि x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है। यहाँ हम लोग लिखते नहीं है, मन में रखते हैं। तो x का घात 1, और हम लोग जानते हैं जब हम लोग दोनों पद को गुना करते हैं तो क्या होता है कि उसका घात जो है गुना के समय जुट जाता है। तो यहाँ पर 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट जो काम करना है वो x को 2 बार पढ़ना है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2x, तो आपको यहां नहीं लगाना है, आपको कहां लगाना है, इसका समान पदों पर भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 को x बार पढ़ेंगे तो 2x होगा। तो देखिए यहां पर आपको रखना है, ये नहीं कि हमको यहां रख देना है, क्योंकि ये x स्क्वायर का घन है। तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। अब आपको इसका साइन को बदलना है, प्लस है तो यहां माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। चलिए प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया, कट हो गया। अब आपको क्या लिखना है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब आपको क्या लाना है, माइनस 3x स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको चिन्ह पर गौर करना है कि चिन्ह हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है। यहां आपको क्या है, प्लस, तो हमको यहां सिंपल सा क्या देना है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है। देखिए x स्क्वायर को अब हम कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 अगर हम लोग लिख देते हैं और यहां पर लिखते हैं, देखिए x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 3 को x स्क्वायर में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3x स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 दुगने क्या हो जाएगा, 6। देखिए यहां पर लिखेंगे, ये नहीं कि हम लोग 6 को यहां लिख देंगे, क्योंकि ये x का घन है और हमको संख्या वाले अचर पद के वहां लिखना है। अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस हो गया प्लस, तो ये कट गया। याद रखिएगा जब भी हम लोग घटाते हैं तो इसका नीचे वाले का जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। अब यहां पर आ गया हम लोगों के पास 7x, यहां माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। तो प्लस होने के बावजूद यहां पर बड़ा कौन है दिखना होगा कि 6 बड़ा है, तो 6 का चिन्ह क्या हुआ, माइनस। तो 6 और 3 हो जाएगा 9। तो यहां पर आ गया कितना, 7x माइनस 9, जो कि छोटा हो गया क्योंकि x स्क्वायर है यहां पर, क्योंकि x का घात 2 है और यहां पर x का घात 1 है। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, जो कि और भाग नहीं जाएंगे। तो आपके पास भागफल कितना हुआ, यहां आपको लिख देना है, भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर 7x माइनस 9। तो ये आपको आंसर निकल के आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मैथ अच्छा से समझ में आ गया है। इससे जुड़े कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसका रिप्लाई आप तक पहुंचाने का। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।